दोस्तों, आप लोग भी कैसे हैं बताइए। और उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मम्मी हमारी सुबह सुबह किचन में लग गई है और आज मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हो रहा है। तो आज क्या बना रही हो? बारिश नहीं हो रहा था। अच्छा, जब उठे थे तो बारिश नहीं थी। हाँ, उसके बाद बारिश हुआ। अच्छा, आज कुछ बनाने को नहीं, आज दूसरा चीज बनाया, मसूर की दाल ने दीदी लाई थी, तारा दीदी। अच्छा, तो देख के गई थी, ऐसे ही रखा था, हमके रखे रखे जानती हूँ खराब भी हो जाएगा। हाँ। चूहा हुआ भी कतर देता है सब। अच्छा, इसलिए आज बना रहे मसूर दाल तड़का। अच्छा, तड़का बना रही है। तो आज मसूर का दाल इसमें दो सीटी लगा है। हाँ। हो गया है, अभी खोले नहीं है, सीटी खत्म हो जाए तो देखेंगे। और इधर बना रहे उसका ग्रेवी मसाला। अच्छा। तैयार कर रहे हैं, अभी ये खाली हो जाएगा तो इसमें चावल डालेंगे, क्योंकि पापा को जल्दी मिल जाइए ना। और चाय तो बन गया है, चाय भी उस पापा खा के बैठे हैं, दूरी खा ली, दूरी कर लिए, बेटा सोया हुआ है। इधर देखिए मेरा किचन फैला हुआ है, चौराई का साग बनाए हैं, चौराई का। अब पापा बोल रहे थे इसमें चीनी मत डालना, क्योंकि नेनुआ की सब्जी बनी थी ना, तो इनको बड़ा मीठा लगा था। अब नेनुआ सब्जी, क्या चौराई के साग में चीनी पड़ता है क्या? नहीं, पापा बोल रहे थे। अच्छा, क्योंकि नेनुआ उनको मीठा बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, बोल रहे थे नेनुआ सब्जी बनाई थी, चीनी डाली थी क्या? अरे अब नेनुआ सब्जी में प्याज और मिर्ची का तड़का, कोई कोई नेनुआ मीठा होता है, कोई कोई कितनों भी सब्जी डालिए मीठा नहीं होता। अब जा रहे हैं आटा गूंथने, इधर अपना मसाला देख रही हूँ। हो गया नहीं अभी? नहीं नहीं, अभी तो यही बस जीरा और मिर्चा और प्याज का तड़का देके तेज पत्ता का मसाला यही डाले। मसाले में है लहसुन, टमाटर, प्याज, ये सब ग्रेवी बनानी है इसका, पीस के। अब देखते हैं, हम तो पहली बार खाए, तो बहुत लोगों के हाथों से है, अपने हाथ से पहली बार बना रहे हैं। अच्छा, चलो अच्छा ही बनेगा, देखने में तो अच्छा लग रहा है। नहीं, सब मसाले का कारण है। आप अगर सब चीज़ डालिए, मसाला बढ़िया से अगर भूनेंगे नहीं तो सब्जी नहीं अच्छी होती है। और कभी कभी यही हाथ है, इसी हाथ से बहुत अच्छा बन जाता है, कि सभी लोग खाते हैं और अंगली चाट लेते हैं, कहते हैं आज का खाना अच्छा, रोज तो खाना अच्छा बनता है, कभी कभी तो आता है भाई खराब हो ही जाता। अब चलते हैं अपना आटा गूंथ लें। चलो ठीक है, फिर चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। देखिए, अब तो नहा वहा लिए हम लोग, सब लोग अभी तैयार हो गई हैं, जा रही हैं ऑफिस। और ये देखिए मम्मी आज जो है तड़का दाल बनाए थे, सुबह के वीडियो में आपको दिखाई होंगे, तो वही खा रहे हैं। कैसा है? टेस्टी बना है। हम पहली बार अपने हाथ से, तो हम पहली बार बना रहे हैं, चने का दाल खा रहे हैं, टेस्टी लग रहा है। अच्छा, सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी भी रहता है, तो हम सोचे कि चाहे नए अच्छा बना ना, जो वो शीतला माता वाली पूजा में आप बना नहीं, वो खड़ा उरुद का बनता है। अच्छा। ये सोच रही है ना, जो शीतला माता के उसमें मसाला कहाँ पड़ता है, वो तो खड़ा उरुद का बनता है, उसमें छौका भी नहीं लगाया जाता है उस दाल में। अगर आपको खाना है तो ऊपर से घी डाल के खाइए, यही हम सोच रहे थे कि अभी देखेंगे, हम भी खाएंगे, लेकिन ये बता रही है कि नहीं बहुत अच्छा है। और चलो टेस्टी है तो अच्छी बात है, और अगले बार में इससे भी टेस्टी बनाने की कोशिश करेंगे। ये तो पहली बार है, हम इतने बड़े हो गए और कभी अपने हाथ से बनाए नहीं थे ये वाला दाल। अपना वर्क कर रहे हैं, इनका भी समय हो गया, तो अपना अभी तो नाश्ता में वैसा भारी कोई नाश्ता नहीं था, चाय टोस्ट खाए और उसके बाद आज सूजी का हलवा बनाए थे, कर लिए। और ऑफिस का अपना काम कर रहे हैं, ये भी तो ज़रूरी है, ये नहीं रहेगा तो और आगे की गाड़ी कैसे चलेगी? आप लोग तो समझदार हैं, सब लोग जानते हैं। चलिए अभी जा रहे हैं हम पूजा करने, ठीक है। यहाँ पे कुछ सामान भी आया था फ्लिपकार्ट से, एक्चुअली हम लोग क्या है ना, मोस्टली सामान फ्लिपकार्ट से ही मंगाते हैं, तो वो अब देखिए आप लोग भी अपना परिवार है इसलिए लग रहा है कि दिखा दें, तो दिखाओ मम्मी ये। और ये जो है ना एसी का कवर है, क्या होता है कि गंदा हो जाता है, डस्ट बैठ जाता है, ठंड में एसी तो चलता नहीं है, तो बंद रहता है इसलिए एसी का कवर। हम भी किसी के घर में देखे तो हम सोचे चलो भैया अपने भी घर के लिए मंगा दे। देखिए ये एसी है, जब लगेगा तब आपको समझ आ जाएगा पूरी तरह से। अरे आप लोग के घर भी तो लगा ही होगा, सबके घर में तो लगाई है, क्या चीज आज के समय में किसके घर में नहीं। चलिए लगाते वक्त एक ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और ये नहीं ओपन करेंगे क्योंकि ये लेडीज गारमेंट्स है। हाँ। और ये भी आया कल। हाँ, ये 6 पीस आया है। हाँ, कुछ ऑफर में था तो 6 पीस इसको भी ऑर्डर कर दिया गया। चलो ठीक है, एक तो हम पहने, चलो सही कपड़ा है, लेकिन सही है। हाँ, कपड़ा सही है, बहुत लाइट है, दुकान से लेते हैं तो उससे अच्छा कपड़ा है, अब यूज होगा तो पता चलेगा कि कैसा है। कलर कैसा है? अच्छा है,
कि प्यारा है कि बेकार है आपको बताइएगा। अच्छा है कि प्यारा है कि बेकार है। हाँ। अच्छा और प्यारा तो सेम हो गया। मुंह है, जुबान है, फिसल जाता है कभी कभी। अच्छा चलो ठीक है, आप भी पूजा उजा कर लो फिर नाश्ता कर लो। रोज भोग लगाती हो मम्मी? हाँ हम तो रोज भोग लगाते हैं, रोज भोग लगाते हैं, रोज भगवान के लिए जल रहता है। अच्छा चलो सही है, पूजा कर लो आप। सब काम हो गया है, अभी नाश्ता नहीं किए हैं, सुबह हलवा बना था, चाय टोस्ट सब लोग खाए। रोज बदल बदल के कहते हैं सब लोग, बदल बदल के कुछ ना कुछ बनता है। आज वही मसूर का दाल का तड़का जैसा बनाए थे, हम भी तो यूट्यूब से देख के ही बनाए पहली बार, क्योंकि हम बनाए नहीं थे कभी। हमके देखिए कैसे बनता है, सुबह जल्दी जल्दी जाने को भी सबको रहता है, तो इसलिए जल्दी 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 हमके देखिए जल्दी से मसाला भी भूनने में टाइम लगता है। अब तो बेटी खाई बोली नहीं मम्मी अच्छा बना, ऐसे ऐसे कर रही थी। हमका तुम तो चाहे कोई चीज़ बेकार भी रहे, बेटी की आदत है, तब कहेगी ना नहीं सही है सही है। और पसंद करने वाला छोटा वाला बेटा है, अगर अच्छा रहेगा तो बोलेगा हाँ मम्मी ठीक है, खराब रहेगा तो कह देता कि नहीं आज बनाई हो लेकिन ठीक नहीं है। तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है, बेटी भी चली गई स्कूल, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं और हम भी बैठे हैं और काम घर का हो गया है, कुछ बाकी भी है क्योंकि मौसम ऐसा है ना कि कुछ करने लायक भी नहीं है। धूप वाला कुछ काम था, थोड़ा गेहूं डालना, तो क्या डालें, धुला हुआ है गेहूं, लेकिन थोड़ा धूप में डाल दीजिए थोड़ा गर्म हो जाता है, तो पिसाने के लिए दीजिए ना तो सही से आटा आता है। ऐसे तो जैसे कितने भी ड्राम में डब्बे में आप रखे हैं मुलायम हो जाता है, सोचे मौसम थोड़ा सही नहीं। एक बार कपड़ा डाले थे गिर भी गए, पिन नहीं लगाए थे नीचे गिर गया, पिन लाए धुले पिन लगा के, जैसे कभी भूल ही जाते हैं पिन लगाना, हवा चलता है तो गिर जाता है। वही है कि अब मौसम देख रहे हैं अब ठंडा है, नहीं तो इतनी गर्मी, बाप रे बाप, गर्मी से जो दाना पूरा एकदम, कभी नहीं इतना घमौरी निकलता था घमौरी, ऐसा नहीं है एकदम बहुत ज़्यादा इस बार हो गया था घमौरी। अब तो जाके कुछ राहत है, अब चलेंगे अभी खाएंगे, नाश्ता भी किए नहीं अभी निकालेंगे, अभी खाली हुई है हमको थोड़ा सा आराम कर लें। फिर चावल भी आया है मार्केट से, उसको भी बीनना है। बरसात के दिन मैंने कुछ करने का जैसे मन, जैसे चिप 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 लगा हुआ है, रखे हैं चावल, पहले सोचे कोई मिल जाए उसी से बोल देंगे थोड़ा फटक दे सूप से, फटकते हैं लेकिन हमसे खूब साफ नहीं होता है, अपने जान तो जैसा आता है वैसा सूप से अपना हिला डुला के कर लेते हैं। और एक लोग वही मसूर का दाल दे के गई थी, फ्रेंड ही थी बेचारी, इस समय नहीं है तो देखे गई थी, तो आज वही सुबह सुबह देखे देखे गंदा है कि नहीं, एक एक से मिट्टी भी है उसमें, सिटका पिटका कुल रहता है, बिना बीने तो डालेंगे नहीं। हम कहे आज खाली हो जाएंगे तो आराम आराम करके उसको बीनेंगे, बीन चुन के रखी रहिए ना, तो जब जी चाहता है तब बना लीजिए किचन का सामान। वही अभी देखते हैं, और कपड़ा जो कल वाला है सूख जाएगा तो हटाएंगे, अब प्रेस तो अभी करना नहीं, 2-3 दिन का हो जाएगा कपड़ा तो प्रेस करेंगे। अब बच्चे का भी जाने का समय हो गया है, देखिए उसका भी जिस दिन वो जाएगा उस दिन हमारे यहाँ बनारस में मोदी जी भी आ रहे हैं, देखिए क्या होता है। शाम का फ्लाइट है तो सुबह ही निकलेंगे, क्योंकि उस रोड पे पूरा जाम जाम लगा रहा, पता नहीं कैसे घुमा के जाएगा। पेपर में देखे, गूगल पे भी देखे तो मोदी जी आ रहे हैं बनारस में, उस समय तो भाई जानते हैं भीड़ कितना लोग रहते हैं देखने के लिए, मोदी की बातें सुनने के लिए। ठीक है तब तक बने रहिए वीडियो में, फिर मिलते हैं। हेलो, अरे दीदी का फोन आ गया, अब कहाँ है, हेलो। शाम भी हो गया, शाम क्या रात ही हो रहा है। इधर बना रहे हैं आलू बैगन का सब्जी, सोयाबीन भी डाले हैं, बरी भी डाल के बना रहे हैं, हमको थोड़ा बरी अच्छा लगता है। वही पापा से पूछ रहे थे कि इतना ये आलू बैगन और बरी सोयाबीन डाल के सब्जी बनाए खाएंगे, कहें हाँ खा लेंगे। अभी आटा नहीं गूंथे हैं, गूंथेंगे अभी, चाय नाश्ता हो गया है, शाम को पराठा भी सेके, बेटे को भूख लगा था, ऑफिस का काम करते 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 थकाई तो लगी जाता, भूख भी लगा, हमके लाओ क्या मम्मी कुछ है तो दे दीजिए, हमके नहीं जाओ आटा रखे हैं पराठा सेक दे रहे हैं। तब से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, अभी बात करते हम तो भैया रखो और हम भी चले अपने किचन की तरफ, खाना बनाना है। अभी दीदी का फ़ोन आ रहा था झरिया से कि अभी सब्जी बना लेना, तब उतना भीड़ नहीं रहता है, आटा भूज के रख देंगे, और फिर बर्तन भी है किचन, इतना बर्तन है सब, अभी बर्तन धुलना है, सोच रहे हैं सब्जी बन जाए तो इकट्ठे इतना बर्तन फिर धुलाई करें। हम लोग एक काम करो एक काम का टेंशन बना रहता है, आज बारिश भी खूब हुआ है, बारिश इतना हुआ कि हमारे एसी का जहाँ से तार गया है वहाँ से पानी एकदम लीक कर रहा था, आ रहा था पानी, गए माप लेके, हम कहे पानी बरस जाने दीजिए, अब जितना पानी है इकट्ठा हो जाए फिर पूछेंगे, उतना पूछ के रखे हैं, माप उसी कमरे में है, बाद में पूछेंगे। चलिए मसाला निकाल लिए हैं, मसाला निकाले हैं, पीसे नहीं चल रहे हैं पीसने, उसके बाद सब्जी बनाएंगे, सब्जी खाली करके कुकर
सब्जी वजह कुकर खाली करेंगे और जितना बर्तन है फिर अपना बर्तन थोड़ा धुल लेंगे, फिर आटा गूंथ के रख देंगे, फिर रात को जो खाएंगे सब लोग तो फिर वही रोटी चाहे पराठा चाहे कुछ भी सीखेंगे। बाय बाय, कल मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए गुड नाइट।